हकीम साहब, बात करूंगी पथरी को लेके। ये पथरी बन कैसे जाती है और पथरी ना बने इसके लिए क्या कुछ एहतियात हो सकते हैं और क्या कुछ नुस्खे हो सकते हैं, और जिन लोगों को पथरी हो गई है वो कैसे नुस्खों के ज़रिए इलाज कर सकते हैं। पथरी देखिए दो जगह पर बनती है आदमी के, एक तो पित्ते में जी और एक किडनी में। हम्म, तो किडनी की तो कितनी भी बड़ी पथरी हो उसको निकल जाना ही चाहिए, कुछ नुस्खे ऐसे हैं। लेकिन पित्ते की पथरी अगर ज़्यादा बड़ी है तो उसका निकलना मुमकिन नहीं होता, उसके लिए ऑपरेट कराना पड़ता है। तो ये किडनी की पथरी ज़्यादातर होने लगी है और पित्ते में पथरी होने लगी है। किडनी की पथरी के लिए देखिए, आपने सवाल किया कि पथरी होती क्यों है। किडनी में कुछ केमिकल समझ लीजिए मिल जाते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम और बहुत सारी चीज़ें किडनी में रुक जाती हैं और वो पत्थर का रूप ले लेती है, तो किडनी बनना इसको कहते हैं। और इसका निकालने का तरीका ये है कि अगर आप नींबू, दो नींबू और दो चुटकी नमक जैतून और दो तीन पत्ते गूलर के चबा के खाएं या पीस के पिएं, और दो दो नींबू, दो गिलास पानी और दो चुटकी नमक जैतून अगर आप पी लें तो कितनी भी बड़ी पथरी हो किडनी इसकी उसका निकलना मुमकिन है। और पित्ते की पथरी आसानी से नहीं निकलती, अगर 3-4 mm तक की पथरी हो तो वो निकल जाती है, उससे बड़ी पथरी निकलना ज़रूरी नहीं है। स्वागत है आपका। हकीम जी नमस्कार। सुनील जी स्वागत है आपका, जय हिंद। सर एक दो पॉइंट है मेरे। सर एक हमारे रिश्तेदार हैं जी। हाँ जी जी मैडम जी नमस्कार जी। हाँ तो सर एक हमारे रिश्तेदार हैं, लेडीज है, उनको पेट में दर्द रह रहा था। तो जब उनका पूरे टेस्ट कराए और ये अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो डॉक्टरों ने उनको बताया कि उनका दिल बड़ा हुआ है सर। तो उसका सर दिल बड़ा हुआ है, तो उन्होंने बोला 15 दिन की दवाई दी है, बोला नहीं तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपको ऐसे ठीक नहीं होगा। तो सर उसके लिए दवाई और दूसरा नजला जुकाम वगैरह जो होता है इनको जैतून का सिरका दे सकते हैं, अगर नहीं दे सकते तो उनके लिए क्या दें साहब। ठीक है। और तीसरा सर किसी और का ये लीवर और ये लंग्स, किडनी, दिल ना बढ़े या ना सुखड़े उसके लिए दवाई सर ये बताइए सारा, बड़ी मेहरबानी आपकी साहब। ठीक है सर। हाँ देखिए, जिनको दिल बढ़ा हुआ आया है उनको दो चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं, दो चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं, असली लें नमक जैतून, नकली बहुत मिलता है नहीं तो फायदा नहीं होगा। दो चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं और एक बड़ी इलायची, बड़ी इलायची मतलब काली वाली इलायची, दो इलायचियां होती हैं, एक हरी इलायची जो छोटी इलायची होती है, एक काली इलायची जो बड़ी इलायची होती है, एक या दो बड़ी इलायची के दाने खा लें और ये नमक जैतून का पानी, दो चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर पी लें तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। और क्या सवाल है? जुकाम में जैतून का सिरका दिया जा सकता है? जुकाम वाले लोग जैतून का सिरका नहीं ले सकते, तो उन्हें नमक जैतून और खाने का सोडा, दो चुटकी नमक जैतून, दो चुटकी खाने का सोडा
पानी में मिला के पियेंगे तो वही फायदा ये करेगा, लेकिन नज़ले को नुकसान नहीं पहुंचाता। इन्हें ये नुस्खा लेना चाहिए जी। लीवर की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम और दिल बड़ा ना हो, इसके लिए नुस्खा? ये जो नुस्खा मैंने बताया है लीवर, किडनी और दिल के लिए और पेट के लिए, ये बहुत अच्छा नुस्खा है। जो लोग एहतियातन इसको लेना चाहते हैं तो वो ज़रूर लें। नमक जैतून दो चुटकी और एक या दो बड़ी इलायची खाकर ये नमक जैतून का पानी पी लें तो उनको फ़ायदा हो सकता है जी। ज़ेबा है हमारे साथ, स्वागत है आपका जी। कैसे बात करनी मुझे? कर लीजिए जी। ज़ेबा जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी। सर मैं काफी टाइम से आपसे बात करना चाहती कि आज आपके साथ मुझे मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं पिछले 10 सालों से अपने हिप जॉइंट से परेशान हूँ। मेरे दोनों हिप जॉइंट बिल्कुल खत्म हो गए और डॉक्टर ने मुझे ये सजेशन दिया है कि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना है। और सर अब क्या हो गया है कि अब मेरे हिप जॉइंट को मैं जैसे तैसे आयुर्वेदिक दवाई लेके, आपकी दवाई लेके जैसे थोड़ा सा दर्द कम हुआ, अब मेरे सर बैक में पेन आ गया है। बैक बोन भी मेरी बहुत वीक हो चुकी है। MRI कराई, एक्सरे कराई तो डॉक्टर ने बोला कि आपके जो हिप जॉइंट में जो फ्लॉर था वो आपके बैक में भी आ गया, बैक भी डैमेज हो रही है आपकी। तो अब मैं और वेट गेन होते ही जा रहा हूँ क्योंकि फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है सर, चलना फिरना भी कम है, ऑफिस में IT डिपार्टमेंट है तो दिन भर कंप्यूटर में बैठा रहना है। तो वेट भी गेन हो रहा है, बैक में इतना पेन हो रहा है, मैं ऑफिस में नहीं बैठ पा रही हूँ, ना मैं रात को सो पाती हूँ, ना मैं सर चल पा रही हूँ। लाइफ जैसे कि अभी से मेरी एज सर 25 है, अभी से मतलब मेरी मतलब पूरी जिंदगी खत्म होने आ गई है। अब मैं क्या सोचूं मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ऑपरेशन कराऊं तो डॉक्टर ने बोला हिप जॉइंट ऑपरेशन आपका सिर्फ 7 ईयर्स रहेगा, आपका 7 ईयर्स आपको दोबारा करवाना है ठीक और है। वो बहुत रिस्की है, बहुत लाखों का खेल है सर, वो हमारे लिए इतना मुमकिन नहीं है सब कुछ। अब आपके दरबार में आई हूँ तो सर आप मेरी मदद करो। आप ये बताइए कि ये कितने दिन से है? क्या मैं हिप जॉइंट प्रॉब्लम? हाँ सर तकरीबन मुझे 2012 में पता चला था। ठीक है मैम। तो देखिए इसका इलाज बहुत आसान है। एक तो जब आप चेयर पर बैठा करें तो 1 या 2 घंटे लगातार बैठ लिया करें, तो थोड़ा सा आगे तक चल के जाए और वापस आकर बैठ जाए, ये ज़रूर किया करें। दूसरा दो चीज़ें बता रहा हूँ वो आप लेना शुरू करें तो मुमकिन है कि आपको ऑपरेशन की भी ज़रूरत ना पड़े। तो आपकी उम्र बहुत कम है, ऐसे में ये बीमारी यहाँ नहीं होनी चाहिए और होती है तो रुक जानी चाहिए। एक आता है गोंद सिया, काला गोंद इसे कहते हैं, ये असली लेना है। और एक आता है नमक जैतून और एक आता है खाने का सोडा। खाने का सोडा तो आपके किचन में मिल जाएगा और नमक जैतून आपको खरीदना है। 2 चुटकी खाने का सोडा, 2 चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी में मिलाएं और ये दिन में 2 बार पिए। इससे आपका वेट गेन नहीं होगा और वज़न आपकी कद की ज़रूरत के हिसाब से हो जाना चाहिए। 2 बार या 3 बार आप इसे ले सकते हैं, 2 चुटकी खाने का सोडा, 2 चुटकी नमक जैतून पानी मिलाकर। और हिप जॉइंट और कमर के लिए आप एक आता है गोंद सिया, इसे काला गोंद कहते हैं, ये आप ख़रीद लीजिए। ये भी असली लेना ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ें नकली बहुत मिलती हैं, तो इसको आप पाउडर बना लें और 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद, 2 चुटकी रात को खाने के बाद पानी से आप ले सकते हैं, या ये नमक जैतून के पानी से आप इसे 2 बार लेंगे तो आपकी ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है जी।